पासपोर्ट है। बुबागरा को आप चुप नहीं कर सकते हैं, मैं अपना तिपरासा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा, और वो सुरक्षा आपको नौकरी देकर, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमडीसी बनाने से कुछ नहीं होगा, 15 लाख तिपरासा को अधिकार देना पड़ेगा, और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला, आप लोग को लगता है कि महाराज तिपरासा के बारे बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे भी प्यार करते हैं, आपके बारे भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और तिपरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ, और जब तक हम लोग हैं हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते, तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। यही महाराजा ने शूजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया, मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में टू माई ऑल माई तिपरासा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो लोग मुझे बोलते हैं प्रद्योत हैज बिकम क्वाइट, आई हैव नॉट बिकम क्वाइट, आई हैव बिकम मोर रेजोल्यूट। पीपल से बुबाकरा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है, आई एम चैलेंजिंग इट, आई एम चैलेंजिंग एवरीवन हु चैलेंजेस तिपरासा, बट आई एम डूइंग इट विथ माय ब्रेन्स। अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, एक तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिपरासा पीपल। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे परवाह करना है, तो सबसे पहले थमसा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है।
आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है, कभी बिरला टाटा फाइट करता है, कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका थम सबको तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर तिपरा साहब को गरीब रखा तो एमएलए एमएलए से फाइट करेगा, लीडर लीडर से फाइट करेगा, भाई भाई से फाइट करेगा। क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है, तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर तीपरासा को तीपरासा से फाइट कराएगा। कभी देवर्मा जमातिया रियांग के नाम में, कभी आईपीएफ की तीपरा मथा आईएमपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक तीपरासा गरीब है, गरीब को बांटना आसान है। क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं, तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, पिपरा मोथा एक लोकथन बोलो, सीपीएम एक लोकथन बोलो, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, उसके पास भी एक वोट है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास भी एक वोट है, और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट है। लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है, ठीक बोल रहा हूं? आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में, जमात के अध्यक्ष वर्मा कहते हैं मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन, आपका वोट को बांटा जाता है, उनका वोट बांटता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है, हमको भीख मांगना पड़ता है। पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो, अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को, आईपीएफ की से फाइट मत करो, विकास वर्मा से फाइट मत करो, जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो, फाइट उनसे करो जिसने हम सबको गरीब रखा है, हम सबका अधिकार दिया, और हम लोग सब जानते हैं वो सब लोग कहां बैठे। और ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहां में वीर विक्रम का नाती बन के आया हूं, कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया। आने वाले 3-4-5-6 महीने में हम लोग, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। लेकिन यहां मैं अपना मां, अपना बहन, अपना बुरोई, अपना ओकरा, अपना तीन प्रशा का हमको सपोर्ट चाहिए। और मैं जानता हूं कि गलती हुआ है, लेकिन आज भी आपके दिल में जब एक गरीब व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है ना, तो मुझे एमएलए एमडीसी ईएम का भी सपोर्ट करता है। आई प्रॉमिस दैट आई विल फाइट फॉर यू। आज ये खुला है, ये खुला है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टोनी। लेकिन इससे खुश होने से कुछ नहीं मिले। 125th अमेंडमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं होगा। ये दिल मांगे मोर, हम लोग ये जमीन का मालिक है,
सिर्फ महाराजा नहीं, आप लोग सब ये जमीन का मालिक है। और जब तक हमको अपना जमीन का अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं हंसते रहूंगा, मैं हाथ जोड़ते रहूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं अपना लोगों का। आई विश द एंटायर जोनल लाए, कैसा हॉस्पिटल लाए। यहां में कोई क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान नहीं है, हम लोग सब गरीब है। और अपना जिंदगी को अगर ठीक करना है तो पहले इस एरिया का लोगों को, मंडलाई के लोगों को, एडीसी के लोगों को अगरतला को चैलेंज कर कर और रुपया मांगने का अधिकार होना चाहिए। बस ये मैं बोलकर आपका मैं अपना बात रखता हूँ। बेलन बेलाई नो हम भाई खुलूम खा, और मीडिया लोग जो मैंने बोला है आप कर दीजिए, कल गाड़ी मिलेगा, उसके बाद मैं आपको लड्डू बांटूंगा।